दमोह जिले में जून माह का दूसरा दिन कोविड-19 की जंग जीतने वालों के नाम रहा। आज जिला अस्पताल से 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिनमें सतना निवासी और महिला भी शामिल रही, जो भोपाल से सतना जाते समय इस रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दमोह जिला मुख्यालय पर बस से उतारे जाने के बाद में जिला अस्पताल में अपने पति के साथ उपचाररत भर्ती थी। इनके अलावा रसीलपुर निवासी पति पत्नी तथा एक अन्य युवक को भी स्वस्थ हो जाने के बाद जिला अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह आज जिला अस्पताल से 4 मरीजों की छुट्टी। इधर हटा में संचालित कोविड केयर सेंटर में 7 मरीजों की पूर्व में छुट्टी हो जाने के बाद आज यहां बची इकलौते मरीज की भी स्वस्थ हो जाने पर छुट्टी कर दी गई। इस तरह हटा का कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से मुक्त हो गया है। आपको बता दें कि दमोह जिले में अभी तक 26 कोविड-19 पेशेंटों की पहचान हुई थी, जिनका इलाज किया जा रहा था। वहीं एक बाहरी महिला थी, जिन्हें मिलाकर कुल संख्या 27 हो गई थी, जिनमें से 17 के स्वस्थ हो जाने के बाद घर भेज दिया गया है। आज दिनांक तक लगभग 27 मरीजों की लिस्ट है जो हमारे यहाँ इन्फेक्टेड थे, और एक महिला हमारी सतना जिले की थी जिसको दमोह जिले में ही रक्त उपचार किया जा रहा था। इन सब मरीजों को मिला के लगभग 17 मरीजों को हमारे द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ करके डिस्चार्ज किया जा चुका है। और आज दिनांक में हमारे पास 10 केस एक्टिव बचे हुए हैं, जिसमें से 5 केस हमारे पथरिया में उपचाररत हैं, 1 केस इंडोरिया में है जो कल पॉजिटिव आया है, और बाकी के 4 केस हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह में मतलब उपचाररत हैं।